Hello and welcome back, my dear friends, to very important topic, that is statement assumptions. बहुत important short tricks, बहुत important tips और rule regulation को देखना और इसके साथ हम लोगों को questions भी बनाते हुए चलना है. लेकिन उससे पहले एक और बात, आप लोगों का feedback important है. क्या इस topic में और आप लोगों को ज्यादा चाहिए? क्या यह series आप लोगों को benefit दे रहा है? ये बिल्कुल आप comment करके बताइएगा, क्योंकि आपका appreciation या आपका क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो भी है आप बिल्कुल ये कमेंट करके बताइए. और अभी तक मैंने जो भी दो क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है. एक तरीके से मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत सारा बताया है. और ये शॉर्ट ट्रिक्स तब आप समझ पाइएगा, तब जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते ये चीज आपके दिमाग में नहीं बैठेगा. तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन के साथ आपके दिमाग में बैठाया जाए. और ये एक तरीके से स्टोरी होता है. आप लोगों को पेन पेपर का ज्यादा यूज नहीं करना है, बस तब यूज करना है जब मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं. तो बस क्या उसका सही आंसर होना चाहिए ये चीज आप तुरंत लिख कर बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए. ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं आप ज्यादा इस चीज को ग्रास्प कर पाएंगे. राइट, तो आज के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस पे मूव करते हैं. लेकिन उससे पहले कुछ रिकॉल भी कर लिया जाए अभी तक मैंने जो भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है. आगे बढ़ने से पहले कुछ 7 या 8 पॉइंट को रिकॉल करना है ताकि आज के प्रॉब्लम्स को बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो, या फिर अगर आप सपोज पहली बार देख रहे हो तो भी ये चीज क्लियर हो जाएगा. मैं कोशिश करूंगा बस आपको बताने का, यहां पर लिखना नहीं है मेरा मोटो. मैं बस मोटो मेरा यहां से ये होगा कि आप लोगों को बता दूं. पहला पॉइंट मैंने ये बताया था, कभी भी आपको स्टेटमेंट का अपोज नहीं करना है. मतलब स्टिक टू द स्टेटमेंट, स्टिक टू द इंफॉर्मेशन, पहला पॉइंट ये होगा. दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आपको रिलेवेंट टॉपिक ढूंढना है, इरिलेवेंट नहीं ढूंढना है. मतलब जो कंटेंट दिया गया, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है. तीसरा मैंने ये दिया था कि अगर पास्ट और फ्यूचर की कभी भी बात हो जाए, assumptions जो होता है वो present पे देखा जाता है, past या future का अगर बात हो जाए तो वो गलत हो जाता है. और जहां तक implicit की बात मैंने बताई थी तो implicit का मतलब होता है true and explicit का मतलब होता है false. बट यही समझ लीजिए कि statement assumptions में ये चीज याद रखना है. और बाकी आप कोई भी मतलब याद मत रखिए, true और false बस समझिए कौन सा सही है कौन सा गलत है. नेक्स्ट क्या मैंने बताया था, फोर्थ पॉइंट ये बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं करना है. अगर अगेंस्ट में अजम्पशंस है तो वो गलत हो जाएगा. अपोजिट वर्ड आपको कहीं भी मिल रहा होगा तो वो भी गलत हो जाएगा, अपोजिट वर्ड यूज नहीं करना. कन्वर्सन नहीं करना है, जैसे ऑल ए इज बी तो वहां पर सम ए इज बी, सम बी इज ए, ये कन्वर्सन नहीं करना है. 6 पॉइंट हो गया. 7 पॉइंट और 8 पॉइंट ये आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पहले के क्लास में नहीं बताया था और कहीं ना कहीं ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा. 7th पॉइंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा. री स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. स्टेटमेंट आपका नहीं होना चाहिए री, मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है अगर अजम्पशंस में भी सेम दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. मतलब सेम चीज नहीं बोलना चाहिए, सेम चीज नहीं उसमें लिखा होना चाहिए. और 8th पॉइंट समझिएगा, 8th पॉइंट क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वो ऑलवेज सही होगा. जैसे सन ईस्ट में आपका क्या उगता है, सन राइजेस इन ईस्ट, ये जो पॉइंट होता है, ये जो यूनिवर्सल पॉइंट होता है, इसमें हर एक अजम्पशन आपका सही होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ आपका सही होता है, रीस्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है. रीस्टेटमेंट अगर रहा तो वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, याद रखिएगा. ये मैंने 7th और 8th पॉइंट आज आपको बताया. अब आज के क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और समझते हैं इन पॉइंट्स को, इंप्लीमेंट करते हैं. जब तक जितना ज्यादा आप इन पॉइंट्स को क्वेश्चंस पे इंप्लीमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ये चीज क्लियर होता जाता है. एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. और क्रिटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग आप जो भी बोलते हैं इसको, ये जो पॉइंट होता है, ये जो टॉपिक होता है, ये तब आपका क्लियर होगा जब आप इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बना रहे होंगे. राइट, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा है कि ये जो मैंने पॉइंट्स अभी आप लोगों को 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बताए, ये मैंने लिखा नहीं यहां पर, ये इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि इससे पहले के जो क्लासेस थे उसमें मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है विथ रिटन, सब कुछ लिखकर मैंने बताया. तो यहां पर अभी लिखना संभव नहीं है क्यों, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा. अगर आपको ये चीज देखना है, ये चीज समझना है तो पहले का क्लास है वहां जाकर देख सकते हैं. स्टेटमेंट देखिए क्या बताया गया, इफ ही डज नॉट मेंड हिज वे आई विल कॉल द पुलिस. अगर वो अपने आप को नहीं सुधारता है, अगर वो अपने आप को मेंड नहीं करता है, देन डेफिनेटली आई विल कॉल द पुलिस.
अब ये चीज जो समझ रहे हैं आप, ये चीज समझिए कि आप कर रहे हो, स्टेटमेंट के जगह आप हो। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपको अजम्पशन समझना है कि आपके लिए क्या रिलेवेंट हो सकता है, आपके लिए क्या सटीक हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स को यहां पर इंप्लीमेंट करते हुए सोचना होगा। ही मे मेंड हिज वे, अगर ये चीज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर वो अपने आप को नहीं सुधारता, अगर वो अपने आप को मेंड नहीं करेगा, तो वह पुलिस को कॉल करेगा। कौन? आप पुलिस को कॉल कर रहे हैं। अब यही चीज तो वो चाहता था कि वो अपने आप को मेंड कर ले, वो अपने आप को सुधार ले। अगर वो सुधारेगा नहीं तभी तो पुलिस का कॉल होगा, अगर वो सुधार लिया तो पुलिस का कॉल नहीं होगा। अगर वो अपने आप को मेंड कर रहा है, डेफिनेटली ही विल नॉट कॉल द पुलिस। मतलब क्या वो चाहता था? चाहता भी यही था कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सुधार ले। तो मैं क्या बता सकता हूं कि ये बिल्कुल सही है, वो यही चाहता था। द पुलिस मे हेल्प मी, आपको यह सोचना है कि अगर आप पुलिस को कॉल करते हो, अगर वो अपने आप को मेंड नहीं करता है, नहीं सुधारता है, तो पुलिस को आप कॉल करोगे, पुलिस आपका हेल्प करेगा। आपने भी तो यही कहा, आई विल कॉल द पुलिस। और पुलिस को आपने क्यों बुलाना है? क्योंकि पुलिस आपका हेल्प करने वाला है। अब अगर पुलिस आपका हेल्प नहीं करता है, नहीं करती है, तो डेफिनेटली आपको उस कंडीशन में क्या होगा, आपको वहां से भरोसा हट जाएगा। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप अगर पुलिस को कॉल करते हो तो डेफिनेटली ही विल हेल्प यू, अगर आप राइट हो तो। तो यही चीज है कि पुलिस मे हेल्प मी, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, दोनों अजम्पशन आपका सही हो गया, स्टेटमेंट नहीं। थर्ड आपका बताया गया, ही हैज बीन मेकिंग हॉक्स कॉल्स टू मी। क्या ये स्टेटमेंट, ये जो आपका हॉक्स कॉल दिया हुआ है, क्या आपको कहीं भी स्टेटमेंट में मेंशन है कि वह क्यों अपने आप को नहीं सुधार रहा है? कारण तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये बताया गया वो अपने आप को नहीं सुधारेगा तो पुलिस को आप कॉल कर दोगे, लेकिन हॉक्स कॉल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप डायरेक्टली बोलोगे इरिलेवेंट है आपका, कहीं ना कहीं आप टॉपिक से हट गए हो, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी वन एंड टू सही हो जाएगा। तो वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। कौन कौन सा अजम्पशन आपका सही है? वन एंड टू आर इम्प्लिसिट, रेस्ट आपका थर्ड जो है वो क्या, एक्सप्लिसिट है। क्लियर हो गया? समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको खुद को वहां पर रखकर समझना होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया है, बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना होगा बिल्कुल एक लॉजिकल वे में। डू नॉट टच स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स, आप स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स को टच ना करें। दे मे बी बॉम्ब्स, वह बॉम्ब भी हो सकता है। नोटिस बाय द सिटी पुलिस, सिटी पुलिस के द्वारा यह नोटिस निकाला गया है। क्या क्या था इंफॉर्मेशन? टच नहीं करना स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स को क्योंकि वह बॉम्ब हो सकता है। नोटिस निकाला गया सिटी पुलिस के द्वारा। टोटल 3 पॉइंट आपको मिला। अब आ जाइए अजम्पशंस पे। स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स आर हार्मलेस, अभी क्या बताया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है, और खतरा है तो ये तो बता रहा है कि आर हार्मलेस, डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन है, कहीं ना कहीं आप स्टेटमेंट को काट रहे हो तो गलत हो जाएगा। स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स मे बी टच्ड बाई पीपल, अगर ये बात इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि डू नॉट टच स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि सिटी पुलिस का इंफॉर्मेशन है, ये नोटिस निकाला गया है कि आप कोई भी लावारिस वस्तु को ना छुएं क्योंकि वह बॉम्ब भी हो सकता है। वह बॉम्ब अगर हो सकता है तो आपको शंका है, आप सिटी पुलिस हो, सपोज आप सिटी पुलिस हो, आप एक सिटी पुलिस की तरह सोच भी रहे हो कि आपने यह सोचा कि अगर कोई भी लावारिस वस्तु है, अगर उसको कोई छू देता है तो मे बी वह बॉम्ब हो सकता है। मतलब छूने का संभावना तो बिल्कुल है, और छू सकता भी है, संभावना ही नहीं। स्ट्रे ऑब्जेक्ट्स मे बी टच्ड बाय द पीपल, तो क्या ये सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है कि हां बिल्कुल छुआ जा सकता है, तभी तो ये आपने नोटिस निकाला एज ए सिटी पुलिस। थर्ड, पीपल विल टेक नोटिस ऑफ द वार्निंग, जो आपको ये दिया गया है नोटिस, क्या ये संभव नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशंस थ्री कि आपका ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए कि पीपल विल टेक नोटिस ऑफ द वार्निंग? बिल्कुल सही है, कोई गलत बात इसमें नहीं किया गया। तो यहां पर क्या हो गया कि सेकेंड और थर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपका अजम्पशन सही होगा, मतलब क्या इम्प्लिसिट होगा। तो फर्स्ट वाला आपका यहां गलत हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली ये कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है हार्मलेस के कारण। तो यहां पर सेकेंड एंड थर्ड आपका क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई थिंक दैट सी हैज गॉन मैड, मैं मुझे लग रहा है, आपको यह सोचना है, मुझे लग रहा है कि यह शायद पागल हो गई है। लास्ट नाइट आई सॉ हर बार्किंग लाइक ए डॉग, अब यहां पर बार्किंग लाइक ए डॉग का मतलब यह नहीं समझ लेना कुत्ते की तरह भौंकना, मतलब यह होता है कोई इंसान पागल हो गया, पूरा चिल्ला रहा है। आपने ये चीज गौर किया और आप क्या कर रहे हो, ए टेल्स बी अबाउट मधु,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। समझना यह था कि आपने सोचा कि वह शायद पागल हो गई है क्योंकि लास्ट नाइट उसने कुत्ते की तरह भौंका, मतलब क्या फालतू वह चिल्ला रही थी। अब ए टेल्स बी अबाउट मधु, और कौन सा है ये मधु के बारे में ही तो सी मेंशनड है, मतलब जो पर्सन मधु है उसी के बारे में यहां पर बात किया गया। आप स्टेटमेंट समझ गए, अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस देखा जाए पहला क्या है, मधु इज अ फ्रेंड ऑफ ए। शायद आपको ये देखने से लग जाए कि बिल्कुल सही है ना, लेकिन यहां पर एक चीज समझिए कि ए बताया किसको, बी को, किसके बारे में, मधु के बारे में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि मधु और ए फ्रेंड है, क्योंकि देखिए मधु को ए ने देखा होगा ऐसा चिल्लाते हुए, तभी उसने क्या बी को बताया, इंफॉर्मेशन दिया कि वह बहुत लास्ट नाइट चिल्ला रही थी क्योंकि वो शायद पागल हो गई है। तो जब ये कंडीशन है तो कैसे पता चल सकता है कि वो फ्रेंड होगा, ये तो फ्रेंड जो टॉपिक है, फ्रेंड जो आपका वर्ड है, इसके कारण ये एक्सप्लिसिट हो गया, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल आप नहीं बता सकते हो दैट मधु इज अ फ्रेंड ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, बी नोज मधु, अगर बी नोज मधु, आखिर ए बी दोनों जान रहा होगा इसके बारे में, तभी तो उसके बारे में बात किया जा रहा है। आप जिस पर्सन को जानोगे ही नहीं क्यों उसके बारे में बात करोगे, अगर ए बी को बता रहा है इसका मतलब ए तो जान रहा होगा मधु को। अब ये नहीं बताया जा सकता कि फ्रेंड होगा, यहां पर कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, ये नहीं बताया गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि वो फ्रेंड है, जान रहा है, नोज ओनली, राइट। अगर नोज है तो ए जान रहा होगा मधु को, इसका मतलब बी भी तो जान रहा होगा मधु को, तभी तो ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है, बी नोज मधु, अगर नहीं जान रहा होता तो क्यों डिस्कशन कर रहा होता, मतलब बी नोज मधु इज ए इम्प्लिसिट, सही हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड का कंडीशन कहीं नहीं है, कैसे आप बता सकते हो, ये आप खुद से नहीं सोच सकते हो, अज्यूम नहीं कर सकते हो। ये क्या हो गया, आपका कहीं ना कहीं अज्यूम अजम्पशंस जो है वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक्सट्रीम पे नहीं लेना है। सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक ए डॉग, अब इस पॉइंट को समझिए, ए ने बी को क्यों बताया, क्योंकि वह पागलों की तरह भौंक रही थी। अब ये तो बात सही है कि जो पीपल, जो इंसान पागलों की तरह नहीं भौंकता वो इंसान अच्छा होगा, तो सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक ए डॉग, जो इंसान नहीं भौंकता है वो अच्छा होगा। अब यहां पर इस तथ्य को समझिए क्या बताना चाह रहा है, ए ने क्यों उसे पागल बोला, ए ने पागल इसीलिए बोला क्योंकि बिकॉज मधु बार्किंग लाइक ए डॉग, अगर वह पागलों की तरह नहीं भौंक रही होती तो शायद ए को बुरा नहीं लगता और बी को बता नहीं रहा होता, लेकिन यहां ए ने बी को बताया क्योंकि ए को बुरा लगा। अगर जो इंसान ऐसा नहीं करेगा तो वह बिल्कुल अच्छा होगा इस ए के लिए, अगर अच्छा होगा तो यही चीज तो बता रहा है कि सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक ए डॉग, क्योंकि उसने कंपेयर किया, उसने बताया कि जो मधु है वह बार्क कर रही थी, वह बहुत पागलों की तरह भौंक रही थी, अगर वह नहीं भौंकती तो वह क्या मैड नहीं होती। अब यह चीज बताइए आप, सम पीपल डू नॉट बार्क लाइक ए डॉग मतलब वह इंसान जो कि नहीं ऐसा भौंकता है, नहीं ऐसा चिल्लाता है, वह बिल्कुल सही होता है, और यही तो ए चाह रहा था, तभी तो वह बी से ऐसा डिस्कशन किया क्योंकि वह पागल जैसा दिख रही थी। मतलब ये अकॉर्डिंग टू लॉजिकल, लॉजिकल वे में जब आप इन्हें सोचा इसे तो ये बिल्कुल सही निकला। तो यहां पर जो इंप्लिसिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 और 3। क्या समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा यही समझना होगा कि आखिर ए क्या कहना चाह रहा था बी से, वह यही कहना चाह रहा था कि मधु मैड हो गई है, अगर मधु मैड नहीं होती तो वह बिल्कुल नहीं भौंक रही होती, तो ए क्या चाहता है कि मैड नहीं हो, उसके कारण इंसान को नहीं भौंकना होगा। तो यहां पर आपका ये दोनों सही होगा। थोड़ा सा आपको ये थर्ड पॉइंट समझने में दिक्कत हुआ होगा और ये फ्रेंड का, लेकिन बहुत क्लियर मैंने समझाया, होप सो क्लियर होगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप इकोनॉमिस्ट बनकर सोच रहे हैं तो बहुत आसान है। क्या बता रहा है स्टेटमेंट, द प्राइसेस शुड फॉल आफ्टर मे, प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं मे के बाद फॉल करेगा, बाय दैट टाइम द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्ट ड्रॉपिंग, जो डिमांड होगा फूड ग्रेन्स का वो कहीं ना कहीं गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एक इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट है आपका, एन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। क्या क्या अजम्पशंस है, फर्स्ट नंबर अजम्पशन जो बता रहा है वो प्राइस विल नॉट फॉल बिफोर मे, ये तो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन है कि यहां साफ बताया गया प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं मे के बाद ही गिरेगा, प्राइस शुड फॉल आफ्टर मे, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है बिफोर मे। आप अगर एक इकोनॉमिस्ट हो, आपने ये एनालिसिस दिया है कि मे के बाद ऐसा होगा और कोई बता रहा है मे के
में से पहले हो जाएगा, तो वो क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो आप क्या डायरेक्टली बोलोगे ये एक्सप्लिसिट है क्योंकि बिफोर मेंशनड है और यहां पर आफ्टर मेंशनड है। मैंने बताया था कि एक भी ऐसा वर्डिंग जो कि डायरेक्टली अपोज कर रहा होगा, डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अब एक और बताया गया, द इकोनॉमिस्ट इज इन लिंक विद द फार्मर ऑफ द कंट्री, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि वो फार्मर ऑफ द कंट्री से कोई लिंक है। लिंक है, अगर लिंक नहीं है तो फिर आप कैसे बता सकते हो, ये आप बता ही नहीं सकते हो। ठीक साइलो जो क्वेश्चन होता है बस उसी तरीके से आपको सोचना है यहां पर, अगर ये लिंक नहीं है तो वो क्यों हम बताएं कि ये सही होगा स्टेटमेंट, ये भी गलत होगा, ये भी अजम्पशन आपका गलत हो जाएगा। अ ड्रॉप इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स विल रिजल्ट इन अ ड्रॉप इन सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या ये रूल या रेगुलेशन आपको कुछ ऐसा मेंशन किया, यहां पर ये बताया कि मे के बाद ही आपका प्राइस में फॉल देखा जाएगा और बाय दैट टाइम उस टाइम तक जो होगा फूड ग्रेन का डिमांड घटना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा ये मेंशन्ड है। अब उसका प्राइस से कंपैरिजन आप यहां पर घटना कैसे कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा और सोचना होगा, तो ये आपका रूल यहां बताया नहीं है। और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ड्रॉप इन डिमांड विल रिजल्ट इन ए ड्रॉप इन सप्लाई, ये नहीं बता सकते हो आप, और अगर नहीं बता सकते हो तो कोई भी आपका अजम्पशंस इम्प्लिसिट नहीं होगा, तो नन इज इम्प्लिसिट सही हो जाएगा। एक इकोनॉमिस्ट बन के आपको सोचना है ये चीज, पहला वाला तो ऐसे ही गलती हो जाएगा, दूसरा वाला कोई फार्मर से लिंक नहीं है, और तीसरा वाला ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है कि अगर प्राइस फॉल होगा तो आपका डिमांड घटना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिमांड अगर घट रहा है तो प्राइस फॉल होगा, कोई ऐसा लिंकेज नहीं है, ये एक इररिलेवेंट हो गया। आपको खुद से कुछ नहीं अज्यूम करना है, एज ए इकोनॉमिस्ट ही अज्यूम करना है, और इकोनॉमिस्ट का बस ये स्टेटमेंट दिया गया था, तो आप इससे बाहर इससे एक्सट्रीम में जाके कैसे सोच सकते हैं, ये चीज क्लियर होगा। थोड़ा बहुत आपको ये थर्ड समझने में दिक्कत हुआ होगा, लेकिन बस यही सोचना है एज ए इकोनॉमिस्ट, आपको स्टेटमेंट जो इकोनॉमिस्ट का था बस उतना ही तक सोचना है, उससे बाहर नहीं सोचना, आखिर कहना क्या चाह रहा है इकोनॉमिस्ट, बस ये आपको देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी फर्स्ट वाला समझने में दिक्कत है तो ये चीज समझिए क्या बता रहा है कि प्राइस विल नॉट फॉल बिफोर में इकोनॉमिस्ट तो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि होना चाहिए, क्या होना ये चाहिए कि मई के बाद ही प्राइस गिरना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर आपको एक इकोनॉमिस्ट बता रहा है कि आपका रिजल्ट अप्रैल के बाद आएगा, तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है, आपको बस ये बोला गया अप्रैल के बाद आएगा, आप यहां पर यह नहीं सोच सकते कि अप्रैल से पहले भी आ सकता है। आपको अगर सोचना होगा तो बहुत एक्सट्रीम में भी जाकर सोच सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टिक टू द स्टेटमेंट, ये मैंने बताया था अप्रैल से पहले क्या होगा या फिर उसके पहले होगा या नहीं होगा, ये चीज आप सोच भी नहीं सकते, तो उसके लिए ये जो आपका स्टेट अजम्पशन से ये क्या गलत हो जाएगा। ऊपर से एक मैंने ये भी बता दिया आपको पॉइंट यहां पर, ये आफ्टर और बिफोर वाला, अगर मैंने बताया था कोई भी वर्ड अगर उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, जैसे कोई भी चीज क्या फ्रेंडली मैंने बताया था और फ्रेंडली का अपोजिट भी एक वर्ड आ रहा था, उसके कारण गलती हो रहा था। मतलब अगर फ्रेंडली मिल रहा था आपको क्वेश्चन में, तो फ्रेंडली का अपोजिट यहां पर एनिमिटी दिख रहा था, और एनिमिटी के कारण ये क्या गलती हो रहा था, तो अपोजिट वर्ड के कारण भी गलती हो रहा। और हालांकि आप जब इसको समझे तो इसका अर्थ भी आपको एज ए इकोनॉमिस्ट ये नहीं बताया जा रहा है। क्लियर होगा, नेक्स्ट देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन मस्ट ग्रांट मोर फंड टू आर स्टेट, आफ्टर ऑल वी आर द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ओर्स टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, द सीएम ऑफ द स्टेट। देखिए एक सीएम का स्टेटमेंट है, एक चीफ मिनिस्टर का आपका स्टेटमेंट है कि फाइनेंस कमीशन कुछ ज्यादा अमाउंट ग्रांट करे उस स्टेट को क्योंकि वह बिगेस्ट सप्लायर है ओर का, बाकी सारे भारत में एकमात्र वो ज्यादा सप्लाई करता है क्योंकि उसके पास ज्यादा ओर होता होगा। अगर ज्यादा है तो वह क्या डिमांड कर रहा है कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा उसे कुछ ज्यादा फंड मिले। तो बात सही है, अगर आप पूरे भारतवर्ष में कुछ ज्यादा सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपको रिलीफ मिलना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट ज्यादा मिलना चाहिए। अब देखते हैं अजम्पशंस क्या बता रहा है। पहला, द फाइनेंस कमीशन इज नॉट इन ए मूड टू ग्रांट मोर फंड टू द स्टेट, कहीं आपका ये बात ही नहीं है, एक रिलेवेंट टॉपिक हो गया कि फाइनेंस कमीशन मूड में ही नहीं है कि ज्यादा फंड ग्रांट किया जाए उस स्टेट को। ऑब्वियस ही बात है, लॉजिकल वे में सोचिए कि अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ज्यादा मेहनत निकल रहा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको ज्यादा मनी चाहिए या ज्यादा कुछ चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं ग्रांट करने के मूड में है, डायरेक्टली गलत हो गया। मोर फंड शुड बी गिवन टू स्टेट दैट सप्लाई ओर्स। अच्छा,
ये एक लॉजिकल वे में सोचिए कि ज्यादा फंड मिलना चाहिए क्योंकि वह ज्यादा सप्लाई करता है, और अगर ज्यादा सप्लाई करता है तो ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा फंड मिलना चाहिए, वो डिजर्विंग भी है। अगर डिजर्विंग है तो ये क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल, और यही तो सीएम चाह भी रहा है उस स्टेट का कि मुझे ज्यादा फंड मिले क्योंकि मैं ज्यादा सप्लाई करता हूं, और ये क्या अजम्पशंस भी आपका वही बोल भी रहा है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्या है, द चीफ मिनिस्टर हैज ऑलरेडी रिटर्न टू द फाइनेंस कमीशन आस्किंग फॉर मोर फंड। क्या कहीं भी रिटर्न या कोई भी लेटर ऐसा अभी तक फाइनेंस जो कमीशन के जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाइनेंस कमीशन को लिखा जाना है ये कहीं मेंशन ही नहीं है? ये तो खुद से आपने क्या एज्यूम कर लिया, आप यहां पर एक सीएम हो उस स्टेट के, आपने फाइनेंस कमीशन से ये डिमांड किया है, क्या आपने कहीं भी रिटर्न वे में भेजा है? नहीं भेजा है। ऑलरेडी रिटर्न टू द फाइनेंस कमीशन आस्किंग फॉर मोर फंड, रिटर्न की बात ही नहीं है, और ये रिटर्न ही यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है। इसने डिमांड किया है, अगर इसने डिमांड किया, इसने डिमांड अगर किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको फुलफिल करनी भी होगी क्योंकि वह रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ओवर सप्लाई करता है, तो उसे कुछ ना कुछ वे में रिलीफ मिलना चाहिए। तो मोर फंड का रिलीफ मिलना चाहिए, मतलब आपका जो यहां पर अजम्पशंस है वो क्या सेकंड सही है, रेस्ट आपका क्या होगा? जो फर्स्ट अजम्पशंस और जो सेकंड थर्ड अजम्पशंस है ये दोनों ही एक्सप्लिसिट है, तो यहां पर बस और बस सेकंड अजम्पशंस आपका क्या सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहां पर? नन ऑफ दीज, मतलब जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन टू अजम्पशंस टू ऑलवेज सही होगा। एक और क्वेश्चन देखा जाए, आई डू नॉट लाइक टू गिव कंज्यूमर गुड्स एज अ वेडिंग गिफ्ट, आई प्रीफर टू गिव कैश। ए टेल्स बी, ए ने बी को बताया क्या क्या पसंद है कि कंज्यूमर गुड उसे पसंद नहीं है देना, वह क्या चाहता है? वेडिंग गिफ्ट के तौर पर कैश दे देना। मतलब सही बात है कि अगर कैश मिल जाएगा तो कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। अब आते हैं अजम्पशंस क्या बता रहा है, समझ गए? आपको एक ही जगह पर रह के सोचना है कि आपने किसी को शादी में अगर कैश देना है तो वो कैश कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। अगर आप एक कंज्यूमर गुड देते हो तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, कुछ दिन यूज होगा और वेस्ट हो जाएगा, लेकिन एज ए कैश उसको बहुत हेल्प मिलेगा। ये ए ने बी को बताया, यही बात अजम्पशंस में क्या बताया गया है, ए इज इनवाइटेड एट वेडिंग। दूसरा, सम पीपल गिव कंज्यूमर गुड एज अ वेडिंग गिफ्ट, सम पीपल गिव यूजलेस थिंग एज अ वेडिंग गिफ्ट। सबसे पहले थर्ड पे चलते हैं, सम पीपल गिव यूजलेस थिंग एज अ वेडिंग गिफ्ट। क्या ये मेंशन्ड है कि ए ने बी को बस अपने बारे में राय दिया है कि वह कंज्यूमर गुड देना चाहता है कैश, कंज्यूमर गुड नहीं देना चाहता है लेकिन कैश देना चाहता है, वो ये एक राय दे रहा है, अपना ओपिनियन बता रहा है, लेकिन थर्ड में तो ये ओपिनियन बताया गया है किसी और के कंपैरिजन, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या सम पीपल गिव यूजलेस थिंग, कैसे पता चला यू को भाई कि सम पीपल यूजलेस थिंग दे रहा है? अगर दे भी रहा है तो हमने क्यों सोचना ऐसा? हमने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि बस सोचना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टिक टू द इंफॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट, ये जो अजम्पशन है, ये गलती हो जाएगा। सम पीपल गिव कंज्यूमर गुड एज ए वेडिंग गिफ्ट, अगर ए अपने आप को बोल रहा है, सॉरी बी को बता रहा है कि वह अपने बारे में कि वह कंज्यूमर गुड नहीं देना चाहता, वह कैश देना चाहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे प्रीफर टू गिव कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज़ कंज्यूमर गुड क्या होता है, थोड़ा वेटेज लगता है देखने में। तो यही बता भी रहा है, ए बता रहा है अपने लिए कि वह कैश देना चाहता है, कंज्यूमर गुड नहीं देना चाहता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू गिव कंज्यूमर गुड्स, और यही बता रहा है सम पीपल गिव कंज्यूमर गुड एज अ वेडिंग गिफ्ट। तो कंज्यूमर गुड ही तो बात हो रहा था, कंज्यूमर गुड अगर ए देना चाह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब तो दे ही रहे होंगे, लेकिन कंज्यूमर गुड ए ने ये बोला कि कंज्यूमर गुड उसे पसंद नहीं है देना, बाकी सब तो दे रहे होंगे, तो कंज्यूमर गुड एज ए वेडिंग गिफ्ट, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सही है। एक और देखा जाए, जब पहला अजम्पशंस को आपने देखा तो ए इज इन्वाइटेड एट वेडिंग, अब यहां पर थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाइएगा, मे बी आपके लिए दूसरा और तीसरा बिल्कुल क्लियर होगा। ए को इनवाइट किया गया है वेडिंग में, आपका एसबीआई का एग्जाम चल रहा है, आपके सामने एसबीआई का एग्जाम है, सपोज आपको ये रखना है, तो क्या आपके सामने जब एसबीआई का एग्जाम है तो आप ऐसा बोलोगे कि अभी तो आपके सामने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है, क्यों आप आईबीपीएस क्लर्क के बारे में सोचोगे? सिंपल सा एग्जाम्पल है, जब एसबीआई पीओ का एग्जाम चल रहा है तो आप आईबीपीएस क्लर्क के बारे में क्यों सोचोगे जब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट भी नहीं होगा अभी? तो ये चीज सोचना है, जब जिस चीज की जिक्र हो रहा है मतलब ये चीज आपके सामने गुजर रहा होगा। अगर ए इन्वाइटेड नहीं होता तो वो क्यों कैश देना चाहता, क्यों ये ओपिनियन बी को बताना चाह रहा होता? क्योंकि उसको इनवाइट किया गया होगा तभी तो वो ओपिनियन बता रहा है, मतलब ए इज इनवाइटेड एट वेडिंग, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इंप्लिसिट हो जाएगा। तो वन और टू आपका क्या इंप्लिसिट हो जाएगा, रेस्ट आपका थर्ड जो है वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, तो ऑप्शन वन एंड टू
आर इम्प्लिसिट हियर। समझ में आ गया? अगर नहीं तो फिर भी पूछ सकते हैं अगर कुछ भी डाउट हो तो। हालांकि मैंने बता दिया किस तरीके से आपको ये चीज एलिमिनेट करना है कि कौन सा आपका assumptions गलत है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, द प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एन एक्सपेंशन इन हिज मिनिस्ट्री शॉर्टली। देखिए उनके मिनिस्ट्री में बहुत जल्द ये अनाउंसमेंट हुआ है कि बहुत जल्द एक्सपेंशन किया जाएगा। एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है। अब न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या अजम्पशंस है देखा जाए। पहला अजम्पशंस है द न्यूज़पेपर हैज कोटेड अथेंटिक सोर्स। न्यूज़पेपर एक विश्वस्त जानकारी दे रहा है आपको यहां पर फिलहाल, लेकिन यहां पर जो वर्ड कोटेड है ना, ये वर्ड कोटेड ही कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे मैं बताता हूं, उससे पहले आप इन दोनों पर आ जाइए, इसको रहने दीजिए, समझिएगा बाद में। द न्यूज़पेपर हैज रिलायबल सोर्स फॉर द न्यूज। अगर आपको एक न्यूज़पेपर रिलायबल लगता है तभी तो आप डेली इसे पढ़ा करते हो, डेली आप रीड किया करते हो। लेकिन अगर एक रिलायबल नहीं होगा तो क्या आप उस पर कभी भी भरोसा करोगे? न्यूज़पेपर हमेशा एक रिलायबल होता है, ये एक ट्रूथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर नहीं होता तो वो चल भी नहीं रहा होता, ना आप उसको पढ़ रहे होते। सपोज आपके सामने द हिंदू इकोनॉमिक्स टाइम्स है, कुछ भी है, तो आप उस पर भरोसा कर रहे हो, तभी तो उसके सोर्स को, उसके न्यूज पे ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल एक सही बात है। द प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू एक्सपेंड हिज कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है कि वो अपने कैबिनेट को एक्सपेंड कर सके। वो अपने कैबिनेट को अगर एक्सपेंड कर सकता है तो ये भी एक सही बात है, ये भी एक लॉजिकली सही। और आपने तो पिछले 4 से 5 सालों में ये देखा भी कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कितना सारा एक्सपेंशन किया गया है कैबिनेट पे, तो डेफिनेटली एक सही बात है। ये दोनों तो सही हो गया कि 1, 2 और 3 आर इम्प्लिसिट। अब आ जाते हैं द न्यूज पेपर हैज कोटेड अथेंटिक सोर्स। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अगर वर्ड कोटेड आपको यूज किया जाता है तो ये वर्ड भी बार्गिन होता है। मतलब क्या, मैंने बताया था ईच, एवरी, ऑल, नन, ये सब वर्ड जो मिलता है ये सब डायरेक्टली गलत दे देता है। लेकिन अब डायरेक्टली आप क्या कोटेड वर्ड होता है जो कि अजम्पशंस को गलत बना देता है, लेकिन अर्थ समझना होगा। न्यूज़पेपर हैज कोटेड अथेंटिक सोर्स, अखबार में एक विश्वस्त जानकारी दी गई है, ठीक है, चलिए विश्वस्त जानकारी दी गई है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं ये कोटेड कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। किस वे में? अब इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझना होगा। यहां पर क्या मेंशन है, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहां से लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्टेड है, वर्ड समझिएगा, एक्सपेक्टेड टू अनाउंस एन एक्सपेंशन इन मिनिस्ट्री शॉर्टली। कोई भी ऐसा वर्डिंग या मेंशन नहीं है जहां पर से ये कोट को अथेंटिकेट किया जा सके। ये तो एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, हालांकि न्यूज़पेपर एक रिलायबल सोर्स है, हम लोगों ने भरोसा किया, ये तो सही निकला, लेकिन कहां से ये कोट लिया गया है ये स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है, इसीलिए कोट वर्ड यहां पर सुटेबल नहीं है। अगर ये चीज स्टेटमेंट में मेंशन रहता कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट के द्वारा रिसेंटली अभी ये चीज बताया गया है तो कोट वहां पर सही हो सकता था, लेकिन ये न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, ये जो आपका सोर्स बताया गया, ये सोर्स कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सही है ये नहीं बताया जा सकता अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये एक न्यूज़पेपर का बस रिपोर्ट, और यहां पर बताया गया है कि ये एक कोटेड है और वो भी अथेंटिक सोर्स से लिया गया है। ये जो मेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटमेंट में नहीं है, तो यहां पर जो वन होगा वो क्या गलत हो जाएगा। तो सेकंड एंड थर्ड आपका सही होगा, तो यहां सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड आर इम्प्लिसिट। रेस्ट आपका फर्स्ट क्या होगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा बात समझ लीजिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अभी भी मे बी कंफ्यूजन होगा अगर आपके दिमाग में, तो इस तरीके से समझिए कि पहला जो अजम्पशन है ये बता रहा है कि मैंने उस सोर्स से ये कोट को उठाया और ये इसीलिए ये क्या है, सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये सोर्स का कहीं मेंशन ही नहीं है, ये सोर्स बोला ही नहीं गया, ये तो न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर एक्सपेंशन, मतलब कुछ दिन के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन किया जाएगा कैबिनेट में, लेकिन यहां पर ये चीज कहीं नहीं मेंशन्ड है क्या कि कोई कौन सा सोर्स से उठाया गया, ये तो न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, तो इसीलिए ये चीज गलत भी हो जाएगा। एक और देखा जाए क्वेश्चन, यू कैनॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस विदाउट कंसल्टिंग ए डायग्राम। कल हम लोगों ने एक बहुत अच्छा इसी तरीके का क्वेश्चन भी देखा था,
उसमें भी थोड़ा बहुत यही लॉजिक था, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं टोटल थ्री अजम्पशंस है और थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर लॉजिक भी यूज किया गया। यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो विदाउट कंसल्टिंग ए डायग्राम, बिना डायग्राम को कंसल्ट किए हुए, बिना डायग्राम को रेफर किए हुए। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नीड डायग्राम फॉर सॉल्विंग, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डायग्राम की जरूरत पड़ती ही है। टीचर ने बोल रखा है स्टूडेंट से, टीचर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट से, राइट। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखा हम लोगों ने। अब अजम्पशंस पे आ जाइए, द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट। क्या ये जो वर्ड आपने देखा नॉट इंटेलिजेंट, सबसे पहले तो देख लीजिए इंटेलिजेंट कहीं यूज ही नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो आप यहीं पर इसको कट कर दीजिएगा। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि वह डिफिकल्ट है। और अगर हम लोगों को डायग्राम का कंसल्ट नहीं लिया, हम लोगों ने अगर इसका डायग्राम का कंसल्ट नहीं लिया, डायग्राम का यूज नहीं किया, तो बिल्कुल यह सही नहीं हो सकता है क्योंकि क्योंकि यह डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, तो यही तो बताना भी चाह रहा है कि प्रॉब्लम नहीं बन सकता है अगर आप डायग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं। और ये कौन बता रहा है, टीचर बता रहा है स्टूडेंट से, तो बिल्कुल एज ए लॉजिक वे में सोचा जाए तो ये लॉजिकल सही है। प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व अंटिल अनलेस वी विल रेफर डायग्राम, ये टीचर का स्टेटमेंट है, स्टूडेंट को यही स्टेटमेंट यहां पर लिया गया है, तो बिल्कुल सही होगा ये चीज, समझ गए। थर्ड देखा जाए, सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, यही तो बताया जा रहा है कि वह क्वेश्चंस डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप डायग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस, सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, तभी तो आप ये सॉल्व नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट सॉल्व सच क्वेश्चंस, यही चीज बता रहा है कि सच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई यू हैव टू रेफर डायग्राम। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होना चाहिए क्या, सेकेंड एंड थर्ड, बाकी फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन सेकेंड आपका सही है। क्लियर है, यहां तो बहुत आसान था और बहुत इजीली हम लोगों ने इसे फाइंड आउट किया। एक और देखा जाए, यू शुड नॉट ड्रिंक विस्की, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको विस्की नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और आपको अपने स्वास्थ्य का केयर करना ही पड़ेगा, यही बात है। स्वास्थ्य के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का केयर करना होगा, ये कौन बता रहा है, ए टेल्स हिज फ्रेंड, ए अपने दोस्त को बता रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये हम लोगों ने देखा। विस्की नहीं पीना चाहिए और आपको अपने केयर करने, आपको अपने स्वास्थ्य का केयर भी करना चाहिए, मस्ट टेक केयर योर हेल्थ। ए नोज बी दैट इल इफेक्ट ऑफ विस्की, ए नोज अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ विस्की, अगर ए जान रहा है कि क्या प्रॉब्लम होता है विस्की से, तभी तो ये अपने दोस्त को बता रहा है। और यही चीज तो ये अजम्पशंस भी बता रहा है कि ए नो अबाउट द इल इफेक्ट ऑफ विस्की, विस्की के क्या कारनामे हैं, क्या क्या उसका साइड इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो जान रहा है तभी तो अपने दोस्त को बता रहा है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये आपका बिल्कुल सही होगा। विस्की इज इंटॉक्सिकेटिंग, विस्की इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, सबसे पहले थर्ड को, सेकंड को छोड़ के थर्ड पे आ जाते हैं, विस्की इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखिए, विस्की आपको नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होगा, हानिकारक है तभी तो ए अपने फ्रेंड को ये रेफर कर रहा है। अगर ऐसा बात है तो विस्की इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये भी सही हो जाएगा, क्यों सही होना होगा। अब आ जाइए, विस्की इज इंटॉक्सिकेटिंग, अगर विस्की इंटॉक्सिकेटिंग है, ये चीज का मेंशन इंटॉक्सिकेटिंग कहां आपके स्टेटमेंट में दिया गया है, अगर ये चीज बता रहा होता इंटॉक्सिकेटिंग तभी तो आप बोल सकते थे, लेकिन विस्की इज इंटॉक्सिकेटिंग बताया ही नहीं गया है और इसके लिए क्या ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, ये कहीं ना कहीं आप क्या ज्यादा बाहर जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इतना ए ने नहीं बताया, ए ने बस ये बोला कि विस्की हानिकारक है इसलिए आप मत लीजिए, आपको अपने केयर करना, आपको अपने हेल्थ का केयर करना चाहिए, एक दोस्त को बता रहा है। विस्की नहीं है हेल्थ के लिए सही, बिल्कुल सही हो गया, उसके बारे में उसको पता होगा तभी तो वो ऐसा बता रहा है, अगर बताया तो विस्की इज इंटॉक्सिकेटिंग ये कहीं नहीं है स्टेटमेंट में, ये क्या है नहीं है कहीं, तो ये क्या गलत हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए, आगे मूव करने से पहले एक चीज और समझ आइए, अगर आपको अभी भी सेकेंड में कंफ्यूजन है तो बस इतना समझिए कि आपको इंफॉर्मेशन या जो स्टेटमेंट है उसी पे स्टिक रहना। लेट मी रब दिस, आपको जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। अगर उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो ए ने बी को क्या बताया, बी ने ए ने बी को नहीं, ए ने अपने फ्रेंड को यह बताया कि आप विस्की नहीं पी लीजिए, उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया गया। अगर उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में बताया जाता तो आप सोचते, लेकिन कंसिक्वेंसेस के
बारे में बात ही नहीं है और इंटॉक्सिकेटिंग के बारे में बात नहीं है, तो आपको इंफॉर्मेशन पे स्टिक रहना है, आपको स्टेटमेंट पे स्टिक रहना है, आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, इसीलिए गलती होगा। ठीक है, क्लियर है? एक और देखा जाए, आई हैव डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन कॉफी, पीपल टेल मी दैट कैफीन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखिए इसने, या फिर आप समझ लीजिए कि आपने डिसाइड किया आपको कॉफी कहीं ना कहीं कम करना होगा, क्योंकि पीपल का मानना है कि कैफीन जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये कौन बता रहा है? ए टेल्स बी, और यहां पर आप ए हैं। आपको ये समझना है, आपने क्या देखा कि कॉफी आपको कम करना होगा क्योंकि मान्यता देखा गया है, आम धारणा है कि कैफीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आप बोल रहे हो बी को। आइए अजम्पशंस पे, कॉफी कंटेन्स कैफीन, तो बिल्कुल सही बात है, यही तो आम आदमी बोल रहा है कि कॉफी में है कैफीन, इसीलिए आपके स्वास्थ्य कारक, स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। तो कॉफी में कैफीन है तो ये तो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। पीपुल आर करेक्ट इन देयर व्यूज अबाउट द कॉफी। अब यहां पर देखिए क्या समझिए, बस आपको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट समझना है। पीपल का यही मानना है कि कैफीन होता है कॉफी में, इसीलिए वो अच्छा नहीं होता है। पीपल आर करेक्ट, और पीपल कहीं ना कहीं सही है, तभी तो ए मान रहा है। ए क्यों मान लिया? आपको कोई चीज सही लगेगा तभी तो आप उस बात को मानेंगे। आपको लग रहा है कि LICAA सही है आपके लिए, या आपको लग रहा है SBI सही है आपके लिए, क्यों? क्योंकि आपने उस पर रिसर्च किया, आपने पहले देखा कि नहीं मेरे लिए क्या सही होगा। जब आपको उस चीज के बारे में सही लग रहा है, मतलब आप जहां से सोर्स, आप जिस सोर्स से देखे आपको वो सोर्स भी सही लगा, तभी तो आप उस चीज को सही माने। अगर सही माने तो जो आम आदमी का धारणा है कि कहीं ना कहीं कॉफी स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, पीपल्स आर करेक्ट इन देयर व्यूज अबाउट द कॉफी, तो पीपल बिल्कुल सही है क्योंकि आप सही है, आप यही मान रहे हैं। आपको यहां पर ए बन के देखना होगा। तो जब आप सही मान रहे हैं तो आपने तो रेफरेंस किसका लिया, ये पीपल का, तो पीपल भी सही है कॉफी के अकॉर्डिंग क्योंकि कैफीन होता है उसमें। बी में आल्सो कट डाउन ऑन कॉफी। अब इसने बी को बताया, बी का क्या ओपिनियन होगा, बी का क्या रिजल्ट होगा आने वाले फ्यूचर में, ये तो फ्यूचर का बात है। मे आल्सो कट डाउन द कॉफी, और उसके बाद ये भी है इंफॉर्मेशन बी के बारे में तो कहीं है नहीं कि बी क्या करेगा, बस ए के बारे में इंफॉर्मेशन। ए को ऐसा लगा कि पीपल, आम आदमी का जो धारणा था, उसने बी को बस ये बताया, अपना ओपिनियन बताया, तो यहां तो इंफॉर्मेशन नहीं है बी के बारे में कि बी क्या कॉफी कट करेगा या नहीं करेगा, वो बंद करेगा या नहीं करेगा, तो यहां पर ये क्या गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, वन एंड टू, वन एंड टू आपका कहां पर ऑप्शन है, वन एंड टू आर इम्प्लिसिट, वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग बैंकिंग, एवेडेंस और इंश्योरेंस के क्विजेस भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और आप लोगों को वेबसाइट का एड्रेस दिया गया, जाइए इन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको LICAA में अच्छा खासा स्कोर करना है तो आपको इंश्योरेंस अटेम्प्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता दूं अभी आप लोगों को बस इंश्योरेंस पे ही क्विजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जाइए इन सभी को अटेम्प्ट कीजिए। और आप KS Educational को फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं, कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प होगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली YouTube पे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उस केस में आपको यहां से पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियोस अपलोड हुआ है, राइट? तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा, लेकिन शेयर करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका शेयर है, क्योंकि ये जो नॉलेज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कहीं ना कहीं शेयरिंग इज केयरिंग, अगर आपने सुना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करना भी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा। क्या ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या और चाहिए, नहीं चाहिए, क्या ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूं या फिर रोक दूं, ये सारी बातें आप मुझे फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं। आप कमेंट करके ये बात बताइए।